हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं हसन खान सूरी मकबरे के पास, जो शेरशाह के पिता का है। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया ही होगा, तो चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। पहुँच ही जाएंगे और बाकी वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं। ये शेरशाह का मकबरा है, यहीं से ये रास्ता जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शेरशाह का मकबरा है। और आपको बता दें कि बहुत कम लोग होंगे जो जानते हैं उनके पिता का मकबरा कहाँ है, बस बगल में ही है। तो चलिए आपको बता देते हैं, ये जो रास्ता है दोस्तों, बता दें आपको, यही वो रास्ता है जो सीधे चल जाएगा उनके मकबरे के पास। और आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं और इधर देख सकते हैं आप, मूर्ति बन रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों में सरस्वती पूजा आने वाला है, तो उसी का सब मूर्ति बना रहे हैं कलाकार लोग। इधर आप देख सकते हैं और इधर बगल में रहा। और हम लोग चलिए आपको दिखाते हैं अंदर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रवेश द्वार है। और चलिए आपको अंदर में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रवेश द्वार में जाने के बाद ये आपको मकबरा दिखेगा। ऐसा ही है, लेकिन ये है कि इसमें पानी के बीच में नहीं है, ऐसे ही है। और आप देख सकते हैं, अब काफ़ी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर तो ध्यान दिया जा रहा है। और काफ़ी यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, बच्चे लोग क्रिकेट। देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। और ये सब गुंबज बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और अंदर में जाना अलाउ नहीं है, कि ये देख सकते हैं ताला बंद है, जा नहीं सकते हम लोग। आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये कब्र है शेरशाह के पिताजी का। मस्जिद है मेरे पीछे। और आपको बता दें कि शेरशाह ने बहुत सारे विकास के काम किए थे। उन्हीं ने ही पाटलिपुत्र शहर का पुनर्स्थापना करके उसका नाम पटना रखा था। और जिस ओल्ड ग्रांड ट्रंक रोड को आज हम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ही बनाया था। और उसको बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक उन्होंने ही बनाया था। और आपको उनका मकबरा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई दिया हो। और चलिए तब तक बाय बाय। तो वीडियो हमने शूट कर लिया है और आपको जल्दी अपलोड करके दिखा देंगे। और बाकी आप कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको।